बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था? क्या कुरान और हदीस से साबित है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पिछली दो वीडियो से मैं आपको बता चुका हूँ कुरान मजीद के आयतें। तो इस वीडियो में आपको मैं कुरान मजीद की एक आयत और बाकी एक हदीस से बात भी सुनाऊंगा। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका मिन अम्बाइल गैबी नूही इलैक, तर्जुमा कंजुल ईमान। ये गैब की खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं। अल्लाह ताला ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया। तीसरा पारा सूरह आली इमरान आयत नंबर ये 44 है, ठीक है। ज़ालिका मिन अम्बाल गैबी नूही इलैक, ये गैबी खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं। साफ साफ पता लगे कि अल्लाह ताला ने इल्मे गैब नबी को अता फरमाया। इसी तरह भी अब पढ़ लीजिए आप, देखो इसमें किसी शख्स की ऊँटनी जो गुम हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए बताया कि वो किस जगह पर है। तो मुनाफिकीन आपस में जो वो हंसने लगे कि गैब की खबरें दे रहे हैं और हमारे बारे में मालूम ही नहीं। तो इस वक्त यह आयत नाजिल हुई, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, वला इन सअलतुहुम लयकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु वनलअब قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ। तर्जुमा, ये 10वां पारा है, पढ़ लीजिएगा सूरह तौबा। ए महबूब, अगर तुम इनसे पूछोगे तो कहेंगे कि हम तो यूं ही हंस खेल रहे हैं थे। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसते हो? बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर। तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है, देखें आप। अब इसकी जो है वो आप तफसीर अगर आप पढ़ें, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है यहाँ पर, इमाम इब्ने अभी शैबा और इब्ने नजर यहाँ पर इन सब ने जो हजरत मुजाहिद से अल्लाह ताला के इस फरमान के शान नुजूल में रिवायत किया। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि किसी का नाका गुम हो गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फुला जंगल में है। एक मुनाफिक बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बयान करते हैं कि फुला का नाका फुला दिन फुला वादी में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब क्या जाने, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसी पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद आयत उतारी और इनसे फरमा दिया कि अल्लाह उसके रसूल उसके आयतों से ठटाक करते हो, यानी कि मजाक करते हो, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके ईमान के बाद। यानी कि कुरान मजीद की साफ आयतों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब अता फरमाया। इसी इल्मे गैब को क्या बोलते हैं हम? अताई इल्मे गैब बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद चीजें भी बताई जाएंगी। जज़ाकअल्लाह।